पढ़कर परीक्षा के लिए खबर की ओर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें पूरे प्रदेश में टॉप करने वाले दोनों छात्र मुंगेली के हैं। 12वीं में गीधा गांव के टिकेश वैष्णव ने 97.80% के साथ छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया। वहीं टिकेश के पिता पान की दुकान चलाते हैं। वहीं 10वीं में प्रज्ञा कश्यप ने 100% हासिल किए हैं। आपको बता दें कि प्रज्ञा कश्यप छतौना की रहवासी हैं। दोनों टॉपर से हमारे संवाददाता रोहित कश्यप ने खास बात की। जिस प्रकार ने सफलता हासिल की है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सफलता के लिए तो मेहनत बहुत जरूरी है, तो शुरू से ही हार्ड वर्क का पुटन करते जाइए तो आसानी से आप सफल हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने शुरू से ही टॉप करने के इरादे से पढ़ाई की थी, तो नंबर के हिसाब से मैं पढ़ती गई और सही सही प्रत्येक दिन मैं सही तरह से पढ़ती गई और आज सफल हो गई। 100 में 100 अंक लाया है आपने, ये आसान बात नहीं है, कर दिखाई इसको आपने। हाँ, ये ऐसा आसान बात, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब आप आसानी से ला सकते हैं। टीवी में न्यूज देख रहे थे तो नाम टेकाम जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा उद्बोधन किया गया प्रज्ञा कश्यप, तो वहीं से हमको प्राप्त हुआ और अपार खुशी प्राप्त हुई, बहुत खुशी हुई। मैं जानता था कि वो टॉप ही करेगी छत्तीसगढ़ में, वो तो कक्षा तीसरी स्टेज में जान गया था जब से पढ़ाई साल चालू किया था कि बहुत लंबी जाएगी। चलिए, यहाँ प्रज्ञा के मम्मी है, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। बहुत अच्छा फील कर रही हैं, अभी मेरी बेटी पूरी छत्तीसगढ़ में फर्स्ट आई है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा इसी तरह फर्स्ट आते रहे। तो ये है प्रज्ञा कश्यप और उनके परिवारजन, जो कि प्रज्ञा जिस तरीके से सफलता हासिल की है उसको लेकर पूरा गांव बल्कि पूरे जिले में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कैमरा मैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली।